गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो ये मेकअप लुक है ये है एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है। एक इंस्टाग्राम पर चैलेंज आया था फैबी मेकअप आर्टिस्ट का और उन्होंने ये लुक क्रिएट की थी, सो मैंने भी सेम लुक क्रिएट की है। दिस इज इंस्पायर्ड मेकअप लुक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और गाइस यस, मैंने ये लुक कैसे क्रिएट की है ये सारा वीडियो में एक्सप्लेन है, आप देख सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड ऑल्सो जो स्किन केयर स्टार्टिंग पार्ट होता है, स्किन केयर करना, वो मैंने इस बार इंक्लूड नहीं किया वीडियो में। स्किन केयर तो मैंने डेफिनेटली की है बट मैंने वीडियो में इंक्लूड नहीं किया बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और कुछ लोग आई गेस देखना इतना पसंद नहीं करते। सो मैंने ये वीडियो सीधा फाउंडेशन से स्टार्ट होती है। सो छोटी सी वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। सो एंजॉय द वीडियो। सो गाइज, ये है फैबी मेकअप आर्टिस्ट जिनके जैसा मैंने मेकअप करने का ट्राई किया है। सो सबसे पहले मैंने ली है कलर सेंस HD प्रोफेशनल पैलेट और अपनी स्किन से एक टोन डार्क लेकर उससे डार्क सर्कल्स हाइड कर रही हूँ और अंडर आईज, अगर डार्क सर्कल्स हैं, पिंपल्स के मार्क्स हैं कोई, सो उनको हाइड कर रही हूँ। और इसको मैं फिर ब्लेंड करूँगी अच्छे से, ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो वेट करके उसको अच्छे से स्क्वीज कर लिया था और फिर मैं इनको ब्लेंड करूँगी। और गाइज यहाँ पर प्लीज़ मेरे फेस को इग्नोर कर देना, मुझे बहुत स्वेयर वाला माउथ अल्सर हो और थोड़ी सी स्वेलिंग हो रही थी और पेन तो बहुत ज़्यादा थी। और अब मैंने यहाँ पर प्योर रेडियंस लाइट डेली फाउंडेशन और इसका लाइट फॉर्मूला है, लाइट कवरेज देती है, अच्छी फाउंडेशन है, डेली वेयर के लिए बहुत अच्छी है। डॉट डॉट की हेल्प से मैंने फेस पर लगा ली और ब्यूटी ब्लेंडर से अगेन मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। जो लोग जाते हैं घर से बाहर ऑफिस वगैरह, वो ये फाउंडेशन डेफिनेटली ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है। और अब मैंने अपने बेस को सेट कर रही हूँ फिट मी के लूज पाउडर से। गाइस देखो, प्रोडक्ट्स तो सेम ही होते हैं, एवरी वीडियो में आपको लगेगा प्रोडक्ट सेम यूज़ हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स तो सेम ही होते हैं, बस क्या होता है चेंजेस क्या आते हैं, थोड़ा सा आई मेकअप में चेंजेस आ जाते हैं या फिर कुछ प्रोडक्ट्स को कभी फाउंडेशन चेंज कर ली, कभी कुछ चेंज कर लिया। सो अगर आप लोग बोर होते हो इस चीज़ को देखकर तो आप मुझे ज़रूर कमेंट आउट करो, बिकॉज देखो प्रोडक्ट्स तो फिर अगेन वही बात आती है कि सेम ही रहेंगे, बस मेकअप करते जाना है करते जाना है। सो मैं यहाँ पर अच्छे से अपने फेस पर लगा रही हूँ लूज़ पाउडर। ब्रश मैंने लिया है मिनी सो का, ये पहले वाले ब्रश से कुछ थोड़ा कम फ्लैट कम है ये। और अब मैं कर रही हूँ अगेन ड्यूओ ब्रॉन्जर है माई ग्लैम का और उससे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। अब फैबी मेकअप आर्टिस्ट की कॉन्टोरिंग देखोगे तो वो उनका फेस में अच्छी तरह से कॉन्टोरिंग थी, सो मैंने भी आज डार्क शेड से की है कॉन्टोरिंग और चीक्स को कर ली और मैंने टेम्पल्स को कॉन्टोर किया आज, जॉ लाइन को, नोज़ को करूँगी, चिन एरिया को, चीक्स पर मैंने ज़्यादा कॉन्टोरिंग की थी। एंड ये देखो जॉ लाइन पर मैं थोड़ा सा ऊपर से कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, जॉ लाइन के ऊपर से, बिकॉज उनके फेस पर थी वैसी, तो मुझे मैं ट्राई कर रही थी कि वैसा फेस का कटआउट आ जाए। और जब भी कॉन्टोरिंग करो उसको अच्छे से ब्लेंड करते रहो। और अब मैं कर रही हूँ नोज़ की कॉन्टोरिंग, उनके नोज़ की अगर आप देखो इमेज तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्टूरिंग है उनका नोज़ पर, काफ़ी ज़्यादा है, सो मैंने भी वैसी करने की ट्राई की थी। और अब मैं लगा रही हूँ ब्लश ऑन, उनका फेस थोड़ा डार्क डार्क सा लग रहा था, ना ही पिंक था ब्लश ऑन, ना ही वो था जैसे डार्क ब्राउन होता है, सेंटर का मिडल कोई कलर था, तो मैंने भी डार्क पिंकिश कलर ले लिया था ब्लश ऑन के लिए। और मैंने आईज़, अगर आप उनकी आईज़ देखो तो लाइट पीच सा कलर फुल आई पे लग रहा है एंड आउटर एंड इनर कॉर्नर्स पे डार्क पिंक लग रहा है, तो मैंने भी बस ऐसे ही करने की कोशिश की है। पहले मैंने लाइट कलर ले लिया, फिर मैंने डार्क पिंक सा ले लिया, मजेंटा काइंड ऑफ कलर, और उसको मैं जैसे यहाँ पर अभी आउटर वी पे प्लेस कर रही हूँ एंड देन इनर कॉर्नर पे करूँगी प्लेस, ऐसे ही बहुत कम कम, सेंटर को मैं खाली छोड़ दूँगी ऐसे ही। वहाँ पर उन्होंने लाइट सा वो लगाया हुआ है कंसीलर,
बस इसको मैं, ये देखो आप अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आई मेकअप में मेन चीज़ है ब्लेंड, ब्लेंड एंड ब्लेंड, ब्लेंडिंग इज द कार्डियो इन मेकअप। और बस आप देखो मैंने कर लिया ऐसे इनर कॉर्नर पर, उनकी भी आप देखो अगर तो इनर कॉर्नर पर डार्क है, आउटर कॉर्नर पर भी डार्क है, सेंटर में बिल्कुल नहीं है। सो बस अब सेंटर में उन्होंने ऐसे ही कंसीलर रखा है। सो मैंने HD प्रोफेशनल में से एक लाइट टोन का शेड ले लिया और उसी को बस मैं ब्लेंड करूँगी। ये मेरा वेगा का फ्लैट ब्रश है, जितने भी ग्लिटर्स या ऐसे कंसीलर लगाना होता है वो इसी ब्रश से लगाती हूँ मैं। और मैंने ये लिया लाइट सा एक कलर लिया, ये बहुत लाइट पीच कलर है, नहीं है बस एक ब्लेंड करना होता है कि अपना स्किन कलर ना दिखे। और अब मैंने ये डार्क ब्राउन कलर लिया आईब्रोज को फिल करने के लिए। और उनके आईब्रोज आप देखोगे तो सेंटर से फिल हैं, स्टार्टिंग से आईब्रोज फिल नहीं है, खाली खाली दिख रहे हैं। सो मैंने भी वैसे ही किया है, सेंटर से फिल किया है, स्टार्टिंग से काफ़ी छोड़ दिए थे मैंने, जितने मेरे नेचुरल थे बस वही रखे। और वही सेम अब मैंने ये पिंक कलर नहीं, मैंने पीच सा कलर लिया आई शेडो का और मैं लोअर आइज़ पर लगा रही हूँ उसको। और उन्होंने काजल कोई नहीं लगाया हुआ। और सो मैंने भी एक ग्रे कलर का ये लाइनर लिया है, ये आई लाइनर है ग्रे कलर का, ओरिफ्लेम का है, इससे मैं अपना काजल लगा रही हूँ बिकॉज उन्होंने काजल ब्लैक नहीं लगाया हुआ। और देखो अगर उनकी तो जो आई लैशेज़ हैं वो काफ़ी ब्लैक हाइलाइटेड लग रहे हैं मतलब। सो मैंने आई लैशेज़ की तरफ ध्यान दिया। और अब आप देख सकते हो कि ये मेरा मिल्क टाइम हो गया था बीच में पीने का। मैं रात को वीडियो शूट कर रही थी सो कभी कभी मिल्क पी लेती हूँ। सो अब मैंने यहाँ पर लिया है LA गर्ल का हाइलाइटर और ये पाउडर हाइलाइटर है, इसको मैं एक ब्रश की हेल्प से अपने फेस पर ब्लेंड भी कर रही हूँ और आराम से रख भी रही हूँ। और अब मैंने लिया है स्ट्रीट वेयर रेवलन की लिपस्टिक, ये है पिंक मजेंटा कलर, पहले मैंने इसको लगा लिया। अगर आप उनका लिपस्टिक का शेड देखोगे तो वो है मैरूनिश टाइप, सो मैंने इसको लगा लिया। एंड इसके ऊपर मैंने मिनिसो की रेड लिपस्टिक लगा ली। और इन दोनों लिपस्टिक्स को अब मैं मैट बनाने के लिए टिश्यू पेपर की हेल्प से उसके ऊपर मैं अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ। और अब पार्ट आता है जहाँ पर उन्होंने ये लाइन्स ड्रॉ की है। यहाँ पर मैंने वही HD प्रोफेशनल पैलेट में से वाइट लिया है मैंने शेड, ये वाइट यूज़ होता है जो बहुत फेयर स्किन पीपल होते हैं उनके लिए। सो मैंने ये बेस लिया और इससे मैंने बहुत पतले ब्रश की हेल्प से, ये मेरा लाइनर ब्रश था, ये था वेगा का ब्रश, थोड़ा ख़राब हो गया था, मैंने उसकी कटिंग की इस ब्रश की और मैंने लगा दी ये पर्ल स्टोन्स है, ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बच्चों की ग्रीटिंग्स में यूज़ होते हैं डेकोरेशन में। सो गाइस ये बना दी मैंने ये फाइनल लुक। और अगर आपको पसंद आए तो मुझे आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए कि कैसी लगी आपको ये लुक। मैंने मतलब कुछ सेम करने के ट्राई किया था, हुआ कि नहीं आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।